राधा स्वामी, देखो बेटियों आप आए हैं, आज सर्दी में आए हैं, ये श्री गोपाल जी और गीता जी की कृपा है कि मैं तो यहाँ का कोई प्रोग्राम नहीं था, बिलारी गया था, तो आज यहाँ रख लिया सत्संग आप इन लोगों ने। देखने में ये आया है कि दुनिया को सत्संग नहीं चाहिए, मनोरंजन चाहिए। सत्संग में और मनोरंजन में बड़ा फर्क है। सत्संग में तो असलियत बताई जाती है, जीने का राज बताया जाता है, इस दुनिया में आए क्यों हम और कहाँ जाना है वो बताया जाता है, लेकिन दुनिया को मनोरंजन ज़्यादा पसंद है। मैं गुरुओं की धरती से आया हूँ, पंजाब से आया हूँ, वहाँ गुरुओं की शिक्षा ही का फैलाया जाता है, और ये यूपी जो है ये संतों की धरती है। आपको पता होगा कि ये कबीर साहब जिसका शब्द पढ़ा गया, ये आपके बनारस में पैदा हुए, और इनको दुनिया पूछती है, दुनिया में इनकी शिक्षा फैलती है, लेकिन यूपी में मैंने देखा कोई उनके शब्द नहीं गाता। कोई होगा, कहीं गा रहा होगा तो गा रहा होगा। हाल ये है कि जैसे बड़े वृक्ष के नीचे छोटा पौधा नहीं ना तैयार होता, ऐसे ही ये बड़ा पौधा यहाँ पैदा हुआ, लेकिन यहाँ के जितने भी वृक्ष हम लोग हैं वो उसकी परवाह नहीं करते। तो मैं कोई दो चार बातें आपसे करता हूँ। बच्चों, आपने सुना यहाँ कबीर साहब का शब्द सुना, तो कहते हैं धीरज काहे नहीं धरे, क्यों ना धीरज धरे आपने? वो उसकी उसका सवाल का जवाब खुद ही देते हैं कि हमारा जो जीवन है, शास्त्र सभी कहते हैं, सभी संतों ने भी कहा तीन चीज़ों पर अमल करो। क्या कहा? मन, वचन और कर्म ठीक रखो। बस संतों ने ये नहीं कहा कि तुम तालियां बजाओ और शब्द गाओ या डांस करो या ये करो, पूजा करो, पाठ करो, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तीन चीज़ों के ऊपर अपना नियंत्रण रखो, तुम्हारा जीवन सुखमय रहेगा और तुम लोग उस मालिक को प्राप्त कर सकोगे। बात समझ रहे हो? अब ये जो मन, वचन और कर्म क्या है, ये हमारा जीवन है, इससे परे हमारा कुछ भी नहीं है। पहले हमारे अंदर मन के ख्याल पैदा होता है, होते हैं ना, जैसा ख्याल वैसा हाल, और जो ख्याल आएगा वो तुम्हारी जबान पर भी आ जाएगा, और फिर वचन बन जाएगा, वो वचन हो गया, फिर उस वचन के बाद आदमी काम करता है, देख लेता है कि ये काम होगा। काम पैदा कहाँ से हुआ? हमारे मन से पैदा हुआ, हमारे मन ने हमें प्रेरित किया कि काम करो। अब दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि मन पैदा कब हुआ, मन है क्या? आप सभी लोग, जितनी भी दुनिया के लोग हैं, मन के मारे हुए हैं, मन ने हमको दुख किया दिया हुआ है, मन ने हमारे मित्र बनाए हैं, मन ने हमारे शत्रु बनाए हैं, मन ने हमारे रिश्ते बनाए हैं, और मन ने हमारे रिश्तों को बगाड़ा है, और तो कुछ भी नहीं है। तो मन क्या है, आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। जब माँ के, जैसे इन्होंने कहा, ये शब्द पढ़ा गया, गर्भवास में खबर लेते हैं बाहर क्यों बिसरे। हम जब माँ के गर्भ में थे तो हमने तो कुछ नहीं किया, कोई बच्चा बता दे, कोई आदमी बता दे, कोई संत बता दे कि मैं जब माँ के गर्भ में था तो मैंने अपना शरीर बनाया, मैं ही सांस लेता था, मैं ही सब कुछ करता था। कुछ भी नहीं हमें पता, बिल्कुल नहीं पता हमें, तो मन वहाँ था नहीं। जब हम माँ के गोद में आ गए और थोड़ी थोड़ी होश आने लगी, फिर माँ ने हमें बताया कि तुम्हारा पिता कौन है, यही बात है ना। तब माँ ने पिता बनाया, माँ ने भाई बनाया, माँ ने बहन बनाई, माँ ने रिश्तेदार बताए, उसने बताए ना, वैसे तो आपको कोई ज्ञान नहीं था। फिर अगर कोई बच्चा, अगर कोई परिवार जो कि मंदिर में पूजा करता है, वो माँ उसके मंदिर में ले जाएगी तो वो मंदिर का पुजारी बन जाएगा, मंदिर में जाने लगेगा, ठीक है। जैसे सरदार साहबान हैं, उनके गुरुद्वारे से प्यार है, वो बच्चों को गुरुद्वारे ले जाते हैं, उनमें देह संस्कार आ जाता है कि हमारे गुरु हैं। ऐसे ही ईसाइयों का हाल है, ऐसे ही मुसलमानों का हाल है। ये जो कुछ भी हमारा मन वास्तव में है नहीं, लेकिन हमने मन को अपना मालिक बना लिया हुआ है,
हम मन को सोचते नहीं है कि ये क्या कहता है, क्यों करता है, इसलिए ये क्यों ऐसा रिश्ता बनाया, या क्यों हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मन ने सारा चक्कर किया है। तो अगर किसी ने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, मन को समझ लिया, वो आदमी कभी संसार में दुखी नहीं होता, वो आनंद में रहता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरा मन है ही नहीं। वो कहाँ रहता है फिर? वो अपने आप में रहता है, अपने अंदर रहता है, अपनी आत्मा के साथ रहता है, अपना जो उसका अंदर अस्तित्व है उसके साथ रहता है, उसकी कोई दुश्मनी नहीं होती किसी के साथ। इसलिए संतों ने कहा है, मन को बेचे सतगुरु पास, तिस सेवक के कार्य रास। तुम मन के पीछे मत चलो, गुरु के समर्पित कर दो। लोग जाते हैं गुरुओं को, कहते हैं महाराज मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। शरण में कोई नहीं आता, शरण तो एक बहाना बन गया कि मैं शरण में। शरण में वो जाता है जो मन को गुरु को पेश कर देता है, हार चढ़ाने से नहीं होता। जो मन दे देता है गुरु को, तो गुरु फिर उसकी अपने आप संभाल करता है। तो जो भी कर्म हम करते हैं, वचन करते हैं, वो मन के द्वारा ही हम करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को समझो, ये कंट्रोल में नहीं आता। ये एक इतनी ऐसी ताकत है, जो देखता है वो ये बन जाता है, जो सुनता है वो ये बन जाता है, जो खाता है उसका स्वाद इसको बड़ा आता है, वो खाने लग जाता है ना, या किसी चीज़ को छूता है तो उसका ये प्रेमी हो जाता है। ये मन जो है हर वक्त बदलता है, और बदलते बदलते हमारे लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ा करता है। इसलिए संतों ने कहा है कि सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करो। अब सवाल पैदा हो गया कि क्या मन आराम से कंट्रोल हो सकता है, क्या इसको किसी ने किया? हाँ, संतों ने किया। उसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि भाई एक मालिक है, ये जितनी दुनिया है ये ऐसे नहीं कंट्रोल हो रही, किसी आदमी ने इसको कंट्रोल नहीं किया हुआ। जैसे शास्त्रों में मैं सबूत करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि ये जितना ब्रह्मांड है, जितना ब्रह्मांड है, सूर्य चांद सितारे आकाश, ये पृथ्वी सागर जो भी कुछ है, इसको संतों ने लिख दिया जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, और कुदरत ने ये जो इंसान का शरीर है ये कुदरत का नमूना है। तो जो ताकत इस ब्रह्मांड को चला रही है, ब्रह्मांड को चला रही है, सूर्य टाइम पर चढ़ता है, सूर्य टाइम पर छिपता है, जमीन अपने चारों तरफ ऐसे घूम रही है, साल में एक चक्कर वो सूर्य के तरफ पूरा करती है, ये साइंस का मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। ऐसे ही हमारा जो शरीर है इसको भी कंट्रोल करने वाली कोई चीज़ है। आपका मन इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है, आपकी बुद्धि भी इसको कंट्रोल करने वाली नहीं है, आप आत्मा भी नहीं हैं। आप आत्मा के ऊपर एक और चीज़ है चौथी, वो आप लोग हैं। वो ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना बच्चा है, ना बूढ़ा है, वो एक है, सब में एक जैसा ही है। इसलिए कहते हैं ना, रचना राम बनाई, साधो रचना राम बनाई, और सब में वही व्याप्त है और कुछ भी नहीं है। तो संतों ने कहा कि जिसने ये दुनिया कंट्रोल की हुई है, जो दुनिया का मालिक है, उसका कोई ना कोई आप नाम रख लो और उस नाम का सिमरन करो। सिमरन जानते हैं ना, वो बंद करके अंदर सिमरन करना है, उसको याद करना है। तो वो याद जब आप करोगे तो मन ठहर जाएगा, मन ठहर गया तो बुद्धि तीव्र हो जाएगी, आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन दुनिया ऐसा करती नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई उसूल है नहीं कि दुनिया इस बात को पकड़े और इसको चले। हम तो आए बस मंदिर में गए, थोड़ा वहाँ शब्द पानी किया और आपस में बातचीत कर ली और घर को वापस आ गए, यही होता है ना, और तो कुछ नहीं होता। उससे केवल मनोरंजन आपको मिलेगा, संत आपको सत्य का पता नहीं लगेगा। सत्य संग का मतलब है जहाँ आपको सत्य का ज्ञान दिया जाए। वो सत्य कौन सी चीज़ है, वो तुम्हारे अपने अंदर है। और सबसे पहले ये कंट्रोल करना है कि मन में कभी कोई विकार ना आए,
मन कभी किसी के बजाय बुरा ना समझे। सनातन धर्म क्या कहता है, सनातन धर्म उसमें लिखा है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया, ये सबका भला हो, सबको खुशी मिले, सबको आनंद मिले। ऐसे ही सिख धर्म में कहा गया है, नानक साहब ने कहा नानक सर्वत का भला हो, सबका भला हो। लेकिन क्या हम अपने आप में देख, हम दुनिया में दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए हैं कि हम सब स्वार्थी हो गए, अपना देखते हैं दूसरे को नहीं देखते, अपने परवाह करते हैं, दूसरा जो मर्जी हो मरे जो जिए, हमने हेरा फेरी करनी है, हमने झूठ बोलना है, हमने धोखा देना है, हम जो भी करते हैं पैसे के लिए करते हैं, पता नहीं पैसा हमारे साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए संतों ने नाम की परंपरा चलाई, और संतों ने क्या कर दिया, संतों ने भी अपना उसमें दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया कि आ जाओ भाई नाम ले जाओ और उसके बाद तुम्हें गुरु लेने आ जाएगा। वो गलत है, कोई गुरु लेने नहीं आता, कोई गुरु लेने नहीं आता। तुम्हारा फैसला, जैसे कबीर साहब ने कहा जो भी हमने कर्म किए हैं, कर्म तीन तरह का है, अब मैं ये भी आपको बता देता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, तुम्हारे काम आएगी। मन की बात मैंने आप कर दी, अब मैंने वचन की बात करनी है। वचन भी कर्म है, मन भी कर्म करता है, वचन भी काम करता है, और हमारे हाथ पांव भी काम करते हैं। तीनों बातें होगी ना, मन में हम कर्म कैसे करते हैं, घर में बैठे हैं ऐसे किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, किसी को नेक कह रहे हैं, किसी को बद कर रहे हैं, किसी को देख लिया वो भी उसके ऊपर असर हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हो बेटी? तो कर्म जो है वो मन से पैदा होता है, इसलिए जब जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम सोचते घर में बैठे, हम कर कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, सोच रहे हैं, हमारे सारे ख्याल सोचे हुए ब्रह्मांड में जाते हैं सारे ख्याल, और वहां से जैसा आपका ख्याल है वैसे और ख्याल वापस लेकर आपके पास आएंगे। ये साइंस का उसूल है, जो भी हम सोचते हैं ये जाया नहीं जाता, अच्छा सोचोगे अच्छा वहाँ जाएगा, अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे बुरा ऊपर जाएगा और बुरा ही वापस आपके पास आएगा। इसलिए कह दिया संतों ने कर्म जो करेगा तुम्हें ही भोगना पड़ना। तो कर्म ख्याल का मैंने आपको बता दिया कि जो भी हम ख्याल करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। किसी के बारे में बुरा सोचा तो हमारा भी बुरा होगा, किसी के बारे में अच्छा सोचा तो हमारा भी अच्छा हो जा। इसलिए कह दिया ना सर्वे में बंतु सुखना, ऐ मालिक सभी लोग सुखी रहें, इसलिए कहा गया, और तो कोई बात नहीं है। तो ये तो एक बात है, दूसरी बात है कि वचन से भी हम कर्म करते हैं, वचन से कम। मैं आपको दो मिसालें दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। त्रेता युग में आपको, आप भगवान राम की कथा सुनते हैं और हर मंदिर में सब कथा सुनाई जाती है, कई दिनों तक कथा सुनाई जाती है, लेकिन किसी ने उसके ऊपर विचार नहीं किया कि कथा से हमने मिला क्या। उसमें दो बातें मैं आपको साबित कर देता हूँ कि वहाँ हमारे वचन ने क्या काम किया। यह तो आपको सबको पता है कि भगवान राम को वनवास दिया गया, उनके साथ सीता जी भी चले गए और लक्ष्मण जी भी चले गए, और वहाँ क्या हुआ ये भी आपको पता है कि रावण सीता जी को ले गया, ये भी आपको सबको पता है। दूसरी बात ये है कि रावण, क्योंकि रावण की जो बहन थी उसका नाक काट दिया लक्ष्मण ने, तो उसने बदला लेने के लिए वहाँ रूप धारण किया। वो बहुत विद्वान था, बहुत तांत्रिक था, उसको पूर्ण ज्ञान था, वो आया और उसने वो सीता जी को उठा कर ले गया, ये भी आपको पता सबको। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि जब वो रावण ने हिरण भेजा सोने का, तो सीता जी ने कह दिया महाराज वो देखो कितना सुंदर सोने का वो हिरण, वो मेरे लिए लेकर आओ। बात समझ गए, वो तो रावण की चाल थी, उसका खेल था। तो लक्ष्मण नहीं गया,
राम जी गए तो वहां से आवाज आई, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा। ये भी आपको सबको पता है। लेकिन लक्ष्मण को जब सीता ने सुना कि आपके लक्ष्मण आपके भैया बहुत कष्ट में हैं, आप जल्दी जाओ और उनकी रक्षा करो, उसने कहा माते मैं नहीं जाऊंगा, मेरी ड्यूटी आपकी रक्षा करनी है। लेकिन सीता ने बहुत उसको क्रोध में कह दिया, एक बात कह दी जिससे सारा इतिहास बदल गया। उसने क्या कहा लक्ष्मण को, क्या कहा जो कि उनको माता कहता था, उसने कह दिया लक्ष्मण मैं समझ गई कि तू क्यों नहीं अपने भाई की रक्षा के लिए जा रहा है, तेरे मन में मेरे प्रति अच्छा ख्याल नहीं है, तेरी नीयत खराब है। ये बात बहुत बुरी कही गई सीता से, जबकि वो लक्ष्मण ने सीता जी को पाँव से ऊपर कभी देखा भी नहीं था कि उनका रूप कैसा है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो कितनी बुरी बात कह दी। ये बात कहने से क्या हुआ, सीता की ताकत आधी रह गई और रावण उसको उठाकर ले गया। मेरी बात समझ गए, ये क्या है वचन, ये वचन का कारण है। ऐसे ही हम अपने घरों में पता नहीं क्या क्या वचन बोलते हैं, क्या क्या बातें कहते हैं, क्या क्या कहते बुरा शब्द करते हैं, कभी देखते नहीं कि ये शब्द बोलना चाहिए भी कि नहीं बोलना चाहिए। तो ये पहली बात आपको मैंने बता दी, इतिहास भरे पड़े हैं इन चीज़ों से। ये युद्ध जितने हुए ये वचन के कारण हुए, ये लड़ाइयाँ जितनी हुई ये वचन के कारण हुई, घरों में हमारे झगड़े वचन के कारण होते हैं, मियाँ बीबी की नहीं बनती वचन के कारण नहीं बनती, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है वो भी वचन के कारण बनता है, क्योंकि वचन हमारा ठीक नहीं है। वचन कभी ये सोचता नहीं कि इसका दूसरे के ऊपर क्या असर होगा। एक बात कही। दूसरा मिसाल मैं आपको महाभारत की दे देता हूँ। दुनिया बड़ी कथा सुनती है, रामायण गीता जी की कथा भी सुनती है और बड़ी कथाएँ सुनती हैं, लेकिन उसका असर क्या होता है, कुछ भी नहीं, कोई असर नहीं। मैं आपको देता हूँ, कान में वो डाल देता हूँ, डालो बंद हो गया अभी जाता। ये डाल देना, ये इसको जैसा जैसा डाला है ना ऐसे ही देख के दे डाल ये खोले। चल रहा मुझे दो, एक मिनट बेटा आपको। मेरे कान की मशीन बंद हो गई थी। महाभारत में आपको सब पता है कि पांडवों ने बहुत सुंदर महल बनाया, और महल भी ऐसा बनाया जिसमें ये नहीं पता लगता था कि ये पानी है या फर्श है। और कौरवों को भी बुलाया कि आप भी आइए, हमने गृह प्रवेश करना, करते ना गृह प्रवेश, हम लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पवित्र करते हैं, फिर सबको बुलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, खिलाते कि नहीं खिलाते। तो उसने कौरवों को भी बुलाया और दुर्योधन जो उनका विरोधी था वो भी आया, वो भी आया, और वो दुर्भाग्य से उस रास्ते से आ गया, उस दरवाजे से आ गया जिसके आगे पानी था और लगता फर्श था, ऐसा ऐसा बना था महल वो। अब वो नष्ट हो गया, कहाँ है कि कहाँ नहीं है। मैं इधर यूपी में आपके मेरठ गया, उधर कहते लक्ष्य ग्रह है,
तो मुझे कहते कि चलो जी आपको दिखाएं। मैं क्या, मैं लक्ष्यग्रह देखने नहीं आया, मैं तो संगत की सेवा के लिए आया हूँ। वहाँ है वो चला हुआ लक्ष्यग्रह। तो वो जब दुर्योधन आगे चला हुआ है, उसके साथी सब पीछे चले हुए हैं, उसने जैसे पैर आगे रखा तो द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, देख रही है कि हमारे मेहमान आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए फूल रखे हुए हैं हाथ में। और जैसे उसने पांव रखा, दुर्योधन उस पानी में गिर गया। और वहां एक बहुत बुरा शब्द बोला द्रौपदी ने। क्या कहा? उसके पिताजी क्या थे? दुर्योधन के पिताजी अंधे थे ना, वो अंधे थे, और उनकी माँ ने पट्टी बांध ली थी कि मेरा पति अंधा है तो मैं भी नहीं देखूंगी। बड़ी ऊंची कहानी है, बहुत पवित्र कहानी है, इसमें बहुत राज है, लेकिन लोग उनको सुनते नहीं हैं। तो उसने जैसे ही कहा कि अंधे की औलाद अंधी, दुर्योधन के दिल पर बहुत बुरा असर हुआ और उसने उसी वक्त निर्णय किया कि मैं इसका बदला लूंगा। और युद्ध हुआ, किसके कारण हुआ? वचन के कारण। तो ये वचन जो हमारा है, इसलिए संतों ने कहा मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। आप क्रोध से बोलेंगे या बुरे भाव से बोलेंगे, उसका तुम्हारे शरीर पर भी असर होगा और जिसके बारे में बोलोगे उसके बारे में भी असर होगा। लेकिन हम लोग इसकी परवाह नहीं करते। आज बीमारियां क्यों फैल गई बहुत ज़्यादा? कितना भाईचारा था आज से 50 साल पहले मेरे भारत में, लोगों में इतना भाईचारा था, इतना प्रेम था, इकट्ठे बैठते थे। मैं तो बचपन में देखता रहा हूँ, 10-10 आदमी दरख्त के नीचे बैठे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, और हम खेला करते थे साथ में। वो खेलते क्या थे? 12 टहनी खेलते थे, या पिट्ठू खेलते थे, या कबड्डी खेलते थे। लेकिन आज कहाँ बच्चे कर रहे हैं? कोई देखा किसी बच्चे को खेलते हुए आपने? सुबह से लेकर बैठ जाते हैं मोबाइल, और अपनी आंखें भी खराब करते हैं, पढ़ाई भी खराब करते हैं, और हम परवाह नहीं करते। हम भी कहते ठीक बच्चा लगा हुआ है, छोड़ो इसको, टच मत करो। ये गलत है। इस मोबाइल ने हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। सोचो, इसके बारे में सोचो, बड़े ध्यान से सोचो। विदेश में भी मैं गया हूँ, वहाँ भी बच्चे देखते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं? वो साइंस की बातें देखते हैं, कौन सी नई चीज़ निकली है, कहाँ निकली है, कैसे निकली है। उनकी ये अप्रोच है, हमारी ये अप्रोच है कि हम डांस देखते हैं या कि गेम देखते हैं। और उससे हमारा समय भी बर्बाद होता है और हमारी मानसिक स्थिति भी बर्बाद होती है। इसलिए कोशिश किया करो कि बच्चों को ये गेम्स वगैरह खेलने से हटाओ, उनकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। और फिर उन्होंने कानों में वो भी लगाए हुए हैं। और मैंने कह दिया एक बार, मैं जब डॉक्टर के पास गया, मेरी तो मैं कोई दवाई ऐसी मुझे दे दी 2016 में डॉक्टर ने, तो मेरा कान ही सुन हो गया। तो मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब आपने कौन सी दवाई दे दी, मेरा कान ही बंद हो गया। तो उसने कहा तो है ये लगा लो, ये मशीन लगवाई। मैं कहा डॉक्टर साहब को, मैं क्या आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा, दो आदमियों का बिजनेस बहुत बढ़ेगा, आँखों की बीमारियों का और कान की बीमारियों का, क्योंकि हमने अपने आप को गलत रास्ते पर लगा लिया। हम मतलब के लिए नहीं देखते कि किसी से बात करनी है या कोई मैसेज करना है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा बाकी दुनिया की बातें करने का या गेम्स देखने का क्या मतलब? उससे उसको कोशिश करो। ये बुरा कर्म है, आँखों का बुरा कर्म है, कान का बुरा कर्म है। वहाँ क्या देखते हैं? कानों से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, तो क्या बच्चों पर असर नहीं होगा? होगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमारी जो आगे वाली संतान है, ये बहुत नुकसान उठाने वाली है। कोई परवाह नहीं करते माता पिता बच्चों की। इसलिए ये वचन की बात मैंने आपके साथ की है कि मन को समझाओ, फिर वचन के ऊपर नियंत्रण रखो। बस थोड़ी सी बात सास ने उनको कह दी, बहू बिगड़ गई। बहू ने सास को कुछ कह दिया तो सास बिगड़ गई, लेकिन कहीं प्यार नहीं नजर आ रहा। मेरे पास तो ऐसे ऐसे टेलीफोन आते हैं,
देश के अलग अलग इलाकों से टेलीफोन आते हैं कि हमारी बहू चली गई है जी, अपने घर चली गई, क्या हुआ था? मैंने ऐसे कह दिया, चल बात खत्म हो गई। मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे रिश्तेदार, वो लड़का डॉक्टर, और डॉक्टरनी से उसने शादी की। मैं आपको बात बता सकता हूँ, तो दोनों मियाँ बीबी डॉक्टर, पैसा खूब कमाते हैं, गाड़ी बढ़िया आ गई। तो लड़के की माँ ने कही कह दिया अपनी बहू को कि बेटी आपके 8 साल हो गए शादी हुए, तो हमें एक बच्चा खिलौना दे दो, हमारा भी दिल लगा रहे, आप चली जाती हैं तो हम अकेले बैठे रहते हैं। तो उसने अपनी माँ को कह दिया कि मेरी सास ने मुझे ऐसे कहा। तो सास और ससुर आ गए, उनके घर आ गए, कहते आपने हमारी बेटी को बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझा है, और दावा कर दिया उनके ऊपर, दावा कर दिया कि हमारी बेटी को गलत बोला, और 19 लाख रुपया लिया। वो रोया मेरे पास, हमारा रिश्तेदार, कहना देखो सर मेरे साथ ये हुआ, 19 लाख रुपया, और लड़की को भी ले गए 19 लाख रुपया। ये हाल है हमारे समाज का, कहाँ गया वो पतिव्रता का धर्म, कहाँ चला गया, कहाँ चली गई वो हमारी रीतियाँ, कहाँ चली गई वो चीज़ जब लड़की को शादी करके लाते थे उसको लक्ष्मी कहते थे, मेरे घर में लक्ष्मी आई है कहते थे ना, लक्ष्मी आई है, तो वो लक्ष्मी तो बदल गई, कुछ से कुछ हो गया। आप मेरी बहनें, बच्चे हैं, बेटियां हैं, इसलिए मैं आपके लेवल की बात कर रहा हूँ, ऊँची बात नहीं कर रहा कोई, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी खुशी से गुजर जाए, तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाए। तुम में तो 3 हस्तियाँ हैं। मेरे बाबा फकीर जी ने कहा कि देश का सुधार कोई नेता नहीं कर सकता, बाबा फकीर जी के वचन मेरे गुरु महाराज के हैं, ना कोई संत समाज को ठीक कर सकता है, कोई संत भी सुधार नहीं कर सकता। अगर सुधार करने वाले होते तो कबीर कर जाए, कर जाते, गुरु नानक साहब कर जाते, महात्मा बुद्ध कर जाते, मेरे दादा गुरु कर जाते जो यहाँ बनारस में पैदा हुए, कोई कुछ नहीं कर सका। किसने करना है? माताओं ने करना है। माता जगत जननी कहा गया है, वो अच्छी औलाद दे सकती हैं देश को, नेक औलाद दे सकती हैं देश को, भली औलाद दे सकती हैं देश को, वो सूरमा पैदा कर सकती हैं, वो नरेश पैदा कर सकती हैं, वो लेखक पैदा कर सकती हैं, वो प्रोफेसर पैदा कर सकती हैं, वो डॉक्टर पैदा कर, किसने किए? माँ ने किए ना। तो माँ को मैं तो कहता हूँ कि माँ लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी जब वो घर में आती है तो जिस घर में औरत खुश रहती है, जिस घर में औरत रोती है, वहाँ से लक्ष्मी भाग जाती है, वहाँ गरीबी आएगी आएगी, सारा काम तबाह हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं रहेगा जिस घर में कोई औरत रोती है, एक बात। दूसरी, जिस घर में मियाँ बीबी खुश हैं, आनंद है, तो वहाँ किसी बात की कमी नहीं रहेगी, इसलिए वो लक्ष्मी है। और वो सरस्वती है जब वो बच्चों के अच्छे विचार देती है, बच्चों को अपने पास बैठाती है, उसको अच्छे ख्याल देती है, उसको जीवन जीने का राज बताती है कि बेटा तुझे बनना है, तुझे बनना है, तुझे बनना है, वो ही बनाती है ना, क्योंकि उसने बच्चे को जो संस्कार देना है वो संस्कार पलेगा। मैं इधर कब आया, मैं क्यों आया, मेरे माँ का संस्कार है। कैसे वो संस्कार पैदा हुआ वो भी मैं बता देता हूँ। मैं कोई लगभग 5-6 साल का था, गांव का रहने वाला, गांव में जो काम करते माता पिता वो करते थे, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बात मेरी समझ रहे हैं। तो एक दिन हम तो गांव में क्या करते थे, स्कूल से आ जाते थे, पशु चराया करते थे गांव में, कहना जाओ बच्चों पशु चरा के ले आओ। तो मेरे गांव में एक किसी की डेथ हो गई, मैंने कभी देखा नहीं था किसी को मरे आदमी को, तो क्या देखता हूँ कि उसको 4 आदमियों ने उठाया हुआ है एक पालकी सी बनाकर, और उसके पीछे औरतें भी रो रही हैं, आदमी भी रो रहे हैं, और जिनका पति था वो उसका तो हाल ही खराब था। तो मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो गया। फिर वो शमशान घाट में ले गए, वहाँ उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की, उसमें रख दिया और उसको आग लगा दी, चल। और जब मैंने ये सारा सीन देखा तो मैं डर गया,
मैं शाम को अपनी माँ को पूछा कि माँ ये क्या हो गया इस आदमी को, ये कल तो ठीक था, मैंने देखा इसको। कहती बेटा वो मर गया। मैंने पहली दफ़ा सुना कि आदमी मर जाता है। मैं क्या फिर मर कर कहाँ गया? कहती वो भगवान के पास चला गया बेटा। अच्छा तुम वो क्यों मरा? मेरे सवाल अपनी माँ से है। वो बूढ़ा हो गया था। अच्छा माँ, तो माँ जो आदमी बूढ़े सब हो जाते, सब मर जाते हैं, तो इसका मतलब तू भी मर जाएगी, तू भी बूढ़ी हो जाना है। मेरी बात समझ गया ना? तो मेरी माँ ने मुझे जफ्फे पा लिया। कह नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं मर दी, मैं नहीं अल्ले मर दी, मेरी माँ ने मैनू जफ्फी पा ली। रात को हम सो गए, सारे सो गए। दिया होता था, दिया बुझा दिया। तो जब दिया बुझा दिया तो मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे सामने वो सारा सीन आ गया, वो सारा सीन आ गया कि आदमी को आग लग। मैं डरिया, डर के उठा और बहुत रोया, रोना शुरू कर दिया। जब मैं रोना शुरू कर दिया, मेरी माँ दौड़ी आई, कहती बेटा क्या हुआ तेरे पेट में? माँ तो कहती है दर्द हुई बेटा तेरे पेट में, क्या हुआ, तेरे सिर दर्द हुई है? मैं कहा माँ कुछ नहीं हुआ, मुझे ये बता के आदमी ये मरकर कहाँ गया, मैं तब भी पूछ रहा हूँ। उसने मुझे कहा बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये कोई गुरु बता सकता है। गुरु का संस्कार मैंने मिला कि गुरु तो सबसे बड़ी चीज़ है, जिसको सब पता है। गुरु जानता है आदमी कहाँ से आया, गुरु जानता है वो कहाँ जाएगा, गुरु जानता है कि आदमी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। माँ ने मुझे कहा, और पंजाबी में एक बात कही उन्होंने, बेटा शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं। शाह जानते हैं जो पैसे देता है तो इज्जत बच जाती है। लड़की की शादी आ गई, ले आओ भे पैसे और शादी बढ़िया हो जाएगी, तो पत बच गई ना। तो गुरु के बगैर गत, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान नहीं है तो गत भी नहीं होगी, मुक्ति भी नहीं होगी। तब से मैंने गुरु की खोज शुरू की 6 साल से, और 12 साल के बाद मुझे बाबा फकीर जी महाराज के दरबार में मुझे कुदरत ने पीछे भेज दिया। मैं उनके बारे में जानता भी नहीं था। मेरी बात समझ गए? तो किसने काम किया जी, मुझे आपकी सेवा में किसने भेजा? उस ख्याल ने भेजा, और वो चीज़ मुझे बाबा फकीर जी ने दी, और फिर ये ड्यूटी लगा दी कि तुम भी ये बात लोगों को बताओ कि जीना कैसे है। तो ये है मन और वचन की जिंदगी जो मैंने आपके बता दी। अब आखिरी तीजी चीज़ और है जो हम हाथों से काम करते हैं। हमारे 3 तरह के ये कर्म मन वचन और कर्म के हो गए। कबीर साहब ने लिखा है कुछ करनी जो कर रहे हैं, कुछ कर्मगत जो अब तक हमने किया उसका असर, और कुछ पूर्व ले लेख, कुछ पिछले जन्म के हमारे लेख हैं जो हमने भोगने हैं। जब तक ये किताब बिल्कुल साफ नहीं हो जाएगी, कर्मों की हिसाब खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, हम अपने घर वापस नहीं जा सकते। तो ये करनी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि शरीर से भी हम कर्म करते हैं, हमें जैसा भी हम कर्मेंगे करेंगे उसका फल हमें ही भोगना पड़ना है। मन से विचार गंदे करोगे तो तुम्हारा जीवन गंदा ही हो जाएगा, और जैसा तुम वचन कहोगे उस वचन का उल्टा जवाब भी तुम्हें वैसे ही मिलेगा। क्या कहा मैंने, करके देख लो। तुम किसी को नमस्कार करो तो वो तुम्हें नमस्कार करेगा, तुम किसी को एक गाली दो वो 4 देगा, देगा कि नहीं देगा, सीधी बात है। तो इसलिए संतों ने कहा मीठी वाणी बोल लो मुख से मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। और जब आदमी क्रोध में बोलता है वो अपने शरीर का सत्यानाश कर देता है। जो क्रोधी आदमी है उसका हार्ट देखो कितना ज्यादा टन रवा दवा दवा दब बोलता, ऐसे ऐसे कर रहा है, धड़क रहा है वो बुरी तरह से। चिंता में भी ऐसे ही है। बाबा फरीद जी ने लिखा है चिंता का दूसरा शब्द है फिक्र। फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर। पीर किसको कहते हैं? जिसकी पूजा की जाती है, जिसकी पूजा की जाती है।
हम लोग मंदिर में जा यात्रा में या कोई और चढ़ावा करते हैं, जा कर पूजा करते हैं, किस लिए करते हैं? अपनी चिंता को दूर करने के लिए। ज्योतिषी को बुलाएंगे, ज्योतिषी आ जाएगा, बताओ पंडित जी क्या बात है, हमें चिंता बड़ी है। वो फिर तुम्हें और चक्कर में डाल देगा, राहु आ गया या केतु आ गया। उसको खुद नहीं पता कि राहु केतु क्या है, मगर तुम्हें चक्कर में जरूर डाल देगा। तो फिर बाबा फरीद ने कहा, फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर। फिक्र को दूर करने के लिए हम दौड़े हुए हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन अगर आप घर में बैठकर सोचें कि ये फिक्र मुझे आया क्यों, तो तुम्हारे सलूशन तुम्हारे अपने अंदर से ही मिल जाएगा। अंदर बैठा है तुम्हारे जवाब देने वाला। और मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है और अर्जुन भी तुम्हारे अंदर है। तुम कभी विचार नहीं करते, कभी आप अकेले बैठो, तुम्हारे अंदर कोई सवाल पैदा हुआ, उसका जवाब भी तुम्हें अंदर से मिल जाता है, मगर आप उसकी परवाह नहीं करते। कोई भी कर्म करोगे, तुम्हारे अंदर से आत्मा बोलेगी ये गलत है, ये मत कर, लेकिन हम नहीं परवाह करते। हम झेरा फेरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, 420 करते हैं, इसलिए हम कभी सुखी हो नहीं सकते। तो वो कर्म, तीसरा जो हमारा कर्म है वो बहुत निखिद है। वो निखिद कैसे है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। हमारे शास्त्रों में एक संत हुए हैं जिनका नाम है सदना कसाई, सदना उसका नाम सदना था और वो कसाई था। कसाई भी किसका, राजे का। वो राजे कोई जानवर काट के देता था, कभी 10, क्योंकि राजे के तो महल में पता नहीं क्या क्या लोग खाते हैं, कभी 10 काट दो बकरे, कभी 5 काट दो बकरे, कभी कुछ ज़्यादा लोग आ गए तो ज़्यादा काट दो। तो ऐसा वो उसका कर्म था, उसको ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसकी रोजी रोटी थी वो। एक बार राजे का पड़ोसी राजा रात को लेट आया, रसोई बंद हो चुकी थी। तो राजा, उसके साथ 4-5 आदमी और थे, तो पूछा गया क्या बात हुई। कहते अब वहाँ गए थे हम, देर लग गई, अब बताओ भोजन करोगे? हाँ भोजन तो करेंगे हम, तो इन लोगों का खाना ठीक नहीं होता। तो राजा ने अपने अहलकारों को भेजा कि जाओ सदना कसाई को कहो 5 आदमी आए, उनका खाना बनाना है, तो आप मांस भेजो। अब उसको हुक्म की तामील करनी थी, उसने अपनी तलवार उठाई और वो बाड़े में चला गया जहाँ बकरे बकरियाँ बांधे हुए थे। तो उसने वहाँ मारने से पहले सोचा कि अगर मैं एक बकरा काट दूँगा तो उनको तो थोड़ा चाहिए, ये मेरा सारा माल खराब हो जाएगा सुबह तक, नहीं कोई भी किसी को नहीं दे सकूँगा, ना राजा को ना किसी और को, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो उसने सोचा काफ़ी बड़ा बकरा है, इसकी एक टांग काट लेता हूँ, टांग से उसका भी काम चल जाएगा, ये पड़ा रहेगा सुबह इसका गला काट दूंगा, चल काम बन जाएगा। ये सच्ची कथा है। तो क्या हुआ, जब उसने उसकी टांग पकड़ कर काटने लगा तो कहती बकरा हंसा, ये सत्य कहानी है। तो वो पीछे हट गया कि बकरा कभी मैं ऐसे ले देखा नहीं था ऐसा करता। तो बकरी ने उसको कहा, हो सकता है उसके मन ने ही उसको कहा हो, बकरी ने उसको कहा, सदना देख जो तू कर्म करने लगा है ये एक नया कर्म है, ना जाने कब से तू मेरा गला काट रहा है और मैं तेरा गला काट रहा हूँ, आज तू नया कर्म करने लगा है, इसलिए याद रख तेरा को भी मैं, तेरा भी मैं टांग ही काटूंगा। तो सदना कसाई ने उस वक्त तलवार फेंक दी और राजा को कह दिया मैं आपको आज से कोई जानवर नहीं मारूंगा, और वो संत बन गया, उसकी वाणी है। तो अब मैं क्या साबित किया आपको, अब इस वाणी से मैं क्या साबित किया कि ए इंसान तेरी पूजा, या दूसरे शब्दों में कह देता हूँ कि जो काम भी आप मन से करोगे वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, जो तुम वचन से करोगे वो भी भोगना पड़ेगा, जो तुम कर्म करोगे वो भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब ये कहीं नहीं लिखा संतों ने कि तुम ये कर्म करने के बाद इतना दान कर दो तुम पार हो जाओगे, या तुम पूजा कर दो पार हो जाओगे,
या तुम्हें माफ कर दिया जाएगा? नो, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। कबीर साहब ने लिखा, कर्म गति टारे न टरे। और आपको पता है कि वशिष्ठ जी ने, ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम की जो शादी होनी थी उसका मुहूर्त निकाला कि ये असली मुहूर्त है, आपका जीवन बड़ा सुखमय होगा। लेकिन क्या हुआ, वो एक दिन भी सुख का जीवन नहीं जी सके। ऐसे ऋषियों का हाल है, सबको अपना कर्म भोगना पड़ा है। जैसे कहा, जो दुख सुख जो भी हमारे आते हैं ये हमारे अपने कर्मों के हैं। भगवान किसी को कुछ नहीं देता, वो निर्लेप है। तो इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, साबित क्या करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे बाबा फकीर जी ने कह दिया, जब उन्होंने चोले की त्याग, चोला अपना छोड़ना सा, ये आदेश दिया कि ए इंसान, तू राम नाम जप चाहे ना जप, इसने तेरा बेड़ा पार नहीं करना, तू अपनी नीयत साफ रख और कर्म ठीक कर बस। क्योंकि कर्म का फैसला होगा। और शास्त्र ये कहते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ो, गरुड़ पुराण में क्या लिखा है कि जब आदमी शरीर छोड़ता है तो उसके सारी जिंदगी का काम फिल्म सामने आ जाती है, सारी जिंदगी की फिल्म सामने आ जाती है। और अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो अच्छा जीवन मिलेगा, अगर बुरे हैं तो बुरा जीवन मिलेगा। एक बात। दूसरी, हम जब तक अपने कर्मों की, गुरबाणी सी मैं आपको सुना देता हूँ, गुरु नानक साहब के, पंजाब से आया हूँ तो पंजाब में तो वाणी का ही सबसे ज़्यादा प्रचार है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, पवन गुरु, पवन गुरु, पवन कैसे गुरु, पवन कैसे हुआ, पवन मीन हवा, प्राण हमारा सांस। तुम्हारे अंदर आप सोचो, मैं आप लोगों से बहने पूछता हूँ, आपको पता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है? आप खाना खाते हैं, आपको पता है कि आपके खाना कैसे पच रहा है, कौन पचाने वाला है? आप दूध पीते हैं, उसका पानी बन जाता है, कोई पता है आपको? आपकी नब्ज चल रही है, आपको कोई पता है कि नब्ज चल रही है? आपका दिल धड़क रहा है, आपको पता है? कोई बताए कि मुझे, मेरा, मैं कंट्रोल करता हूँ मेरा दिल, मैं, मैंने पता है मैं कंट्रोल करता हूँ। तुम्हारे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें कुछ किस पता ही नहीं है। तुम बने हुए हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। क्या कह रहा हूँ गोपाल जी, मैं हमें अपने शरीर का पता नहीं कि क्या हो रहा है। हमारे शरीर में एक हस्ती है, हमारे शरीर में एक हस्ती है, हस्ती ताकत है, वो तुम हो। बेटे बैठ जाओ, मेरे को डिस्टर्ब ना करो। एक ताकत है तुम्हारे अंदर, मन है, तुम्हारा शरीर है। शरीर को बनाने में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आपने बनाया शरीर अपना, बताओ। आप कहो कि ये मेरा शरीर है, कोई कहे तो मेरा शरीर है, तुमने शरीर को तो बनाया ही नहीं। तो जिसने बनाया जो उसका ख्याल करो, वो कौन है? तुमने मन भी नहीं बनाया, मन भी बना जब तुम माँ की गोद में आ गए तब बना, उसको समझो ये क्यों बना, किस लिए बना। मैंने बता दिया आपको मेरा क्या हाल, में मेरे को गुरु का ख्याल मिला, मैंने गुरु को प्राप्त किया। ऐसे ही अगर किसी के मन में ये पता है, पैदा आ जाए, ख्याल आ जाए कि मैं अपने घर वापस जाना, मैं कहाँ से आया, मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूँगा जो मेरे को मरते समय मेरे साथ चले, मेरी बात समझ गए? इसलिए कर्म जो जो करेगा वो तो साथ चलना है उसको, तो या जहाँ भोग लो या अगले जन्म में भोगो। कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके शरीर ही नहीं है, मेरी बात समझ गए? तो ये सारा खेल क्या है, किसको दोष देना? किसी को दोष नहीं देना है, दोष अपने कर्म को देना है। मैंने किया तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, दूसरा मेरी जगह नहीं भोगेगा, ना माँ बाप ना भोगेंगे, ना पत्नी ना बच्चे, कोई नहीं भोगेगा। तुम्हें अपना कर्म आप भोगना पड़ा। इसलिए गुरु नानक ने सामने लिखा, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत्व।
तो वो जो पवन गुरु है वो कहाँ है? तुम्हारे अंदर है, सांस लेने वाला। तुम सो जाते हो तुम फिर भी सांस तुम्हारा चल रहा है, तुम सो जाते हो तुम्हारे दिल की धड़कन चल रही है, तुम सो जाते हो तुम्हारा पाचन अपने आप चल रहा है और अपने आप ही बाहर जाता है मल मूत्र के, आप ही जाता है कि तुम करते हो कुछ, करो बताओ, फिर किस बात का अभिमान करते हो इंसान? तू तेरे अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है, तेरे मन पर कंट्रोल कहीं, तूने तू करता कुछ नहीं है, तो तू फिर उसकी क्यों नहीं खोज करता जो सब कुछ कर रहा है? लेकिन नहीं, हमें नहीं इसका ज्ञान है, हम मन के मारे हुए हैं। जा हमें धर्मों ने मार दिया, जा हमें कोई शिक्षा देने वाला नहीं मिला, हम गुमराह हो गए हुए हैं। और फिर अंत पछताए तो क्या हुआ, क्या किया जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, आखिर में कुछ नहीं होगा, अभी करो जो करना है। वो कहते पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात, ये माँ है हमारी, केवल दो माताएं हैं, तीसरी कोई नहीं, नौ भी नहीं है, दस भी नहीं है, कोई नहीं है, एक धरती माँ, एक जिसने जन्म दिया वो माँ। उस माँ ने जन्म दिया, उस धरती माँ ने पैदा करके खुराक दी हमें, इस माँ की गोद से पानी मिला, इस माँ की गोद से सब खाने पीने को मिला, इस माँ की गोद से अमृत मिला, सब कुछ मिला है ना, कि यही मिला, आकाश में तो कुछ नहीं पैदा होता। लेकिन हम इस धरती माँ का भी कभी शुक्रिया नहीं करते कि तूने हमें ऐसा कुछ दे दिया, कभी तो याद कर लिया, मत्था टेक लिया, माता आपकी दया से मैं बना हूँ, क्योंकि इसी में हमने फिर मिल जाना है, इसी में मिलना है। चाहे उसको दबा दो तो भी वो गल जाएगा, अगर जला दो तो भी वो गल जाएगा, पानी में डाल दो तो भी गल कर भी इससे इसी का हिस्सा बनेगा, दूसरा हिस्सा बनना नहीं है। तो क्या करना है? पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोई दाई दाया खेले सकल जगत, एक मालिक की हस्ती खेल खेल रही है, वो ही है। तुम्हें न पता है कुछ भी, ना तुम पता करने की कोशिश करते हो। दिवस रात दो ही दाई दाया खेले जगत के रात, आगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो सुनने की कोशिश करो। गुरु नानक कहते चंगे आइयां बुरे आइयां बाचे धर्म अधूर, वो धर्म वो मालिक हमारे हर काम को देखता है, अच्छा भी और बुरा भी। मैं कहा करता हूँ कि हमारे साथ दो आदमी हैं, मेरे बाबा जी 105 साल के होके गुजरे, मेरे दादा, तो मैं उनको बाहर ले जाया करता था, जब शाम वृद्ध हो गए ना तो खेतों में जाते थे, तो उन्होंने मुझे जब कुएं पर आ जाना, खो होते थे वहाँ नहाना, फिर मुझे उन्होंने कई ज्ञान की बातें कहनी, कहते बेटा बच्चा बात सुन, मैं कहते हाँ बापू जी, आपको पता है हमारे साथ हमेशा दो आदमी रहते हैं। मैं कहा बापू जी कहाँ कहाँ रहते हैं? कहते वो नज़र नहीं आते, कहाँ रहते हैं? एक हमारे दाएं कंधे पर बैठता है, एक यहाँ बैठता है, हमेशा सारे हर वक्त वो हमारे साथ है, हम सो भी जाएं तो भी हमारे साथ है। मैं कहा फिर वो क्या करते हैं? जो दाएं कंधे वाला है वो अच्छे कर्म लिखता है हम जो कर रहे हैं, और जो बाएं कंधे वाला है जो बुरे कर्म करते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा कर्म करते हैं, वो देख करता है। और जब आदमी मर जाता है तो वो दोनों जाके हिसाब किताब धर्मराज के आगे रख देते कि इसके ये कर्म है, और फिर फैसला होता है इंसान का, चल भाई नर्क में चल। बात समझ गए? आपने सुना होगा कि महाभारत में हमारी गीता भगवत गीता जी में लिखा हुआ है, और वो क्या लिखा है कि सब पांडव आखिर में कहाँ गए? सारे पांडव जब वैराग आ गया उनमें तो वो पहाड़ों में जाकर मरे। हमारे हिमाचल में बहुत सारा जगह ऐसी हैं जहाँ बताते हैं कि जहाँ रुके थे, बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, मंदिर बने हैं ना, और गए वो पर हिमाचल में जाकर हिमालय में वो बर्फ में गल कर मर गए, और फिर गए कहाँ? नरक में गए। और उनका जो भाई था धर्मराज, क्या उनको कहते थे? क्या नाम था? युधिष्ठिर। वो धर्मराज कभी झूठ नहीं बोलता था,
बहुत धर्म का पक्का था, तो उसने एक बार झूठ बोल दिया। कब झूठ बोला? जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने देखा कि ये कौरव तो जीत रहे हैं, अगर जीत गए तो पांडव तो बुरा हाल हो जाएगा। तो उन्होंने धृतराष्ट्र उसको कहा, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, कि आप ऐसा करो, आप ये डिक्लेयर कर दो कि द्रोणाचार्य का बेटा मर गया। संस्कृत में कहा, अश्वत्थामा मरा, ना जाना नारवा कुंजरो, नारवा कुंजरो। उन्होंने ये शब्द कहे, जब कहा अश्वत्थामा मर गया, मरा, तो द्रोणाचार्य ने सुन लिया कि मेरा बेटा मर गया। वो बहुत योद्धा था, तो भगवान कृष्ण ने ढोल बचा दिए ताकि दूसरी लाइन ना कोई सुन सके। बात समझ गए? क्योंकि वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, भगवान कृष्ण बहुत उच्च कोल्ड के डिप्लोमेट थे। जब वो वहां गया मरने के बाद, तो पूछता धर्मराज को, महाराज मेरे भाभी और मेरे भैया कहाँ हैं? कहते वो नरक में हैं, उन्होंने जो कहा गया उस पर वो चले नहीं, तो आपको भी 2.5 घड़ी के लिए नरक जाना है। क्यों? आपने जो झूठ बोला हुआ है। आप अपने आप को धर्म राजा कहते थे कि आपने जो झूठ बोला, इसलिए 2.5 घड़ी तुम भी नरक में जाओ। ये कहानी है, ये कथा है। और हम लोग क्या करते हैं? उसने तो एक झूठ बोला, नरक में गए। जहाँ हर वक्त झूठ ही झूठ है, झूठ ही झूठ है, हर बात में झूठ है, तो वो कहाँ जाएगा इंसान जो झूठ के ऊपर ही पलता है? है इंसान, तूने रोटी तो 2 ही खानी है, कितनी रोटी खाते हैं बताइए? कितनी खा लोगे? कब तक खाते जाओगे? जितनी जल्दी अपना भोजन खत्म करोगे छुट्टी हो जाएगी। तो चंगे आइया बुरे आइया बाचे धर्म हदूर। फिर क्या आगे कहा? करनी आपो अपनी केड़े ने के नेड़े के दूर। तो अड्डी अपनी ही कर्मी है, भगवान को दोष मत दो। अच्छा किया उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया उसका बुरा फल मिलेगा। ये है संतों की खोज, चंगे आइया बुरे आइया बाचे तर्म दूर, करनी आपो अपने के नेड़े के दूर। फिर आगे क्या कहा? जिन्हें नाम ते आया गए मशक्कत का, जिन्होंने नाम का स्मरण किया, अपने घर को याद किया कि मैं जहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मैंने एक दिन जाना है। नौजवानी बचपना था वो नहीं रहा, नौजवानी आई वो नहीं रही, बुढ़ापा आया वो भी नहीं रहेगा। माँ ने मुझे बता दिया था कि सबने हमने जाना है बेटा। कहाँ जाना? मुझे भी पता लगा, खोज की, बाबा फकीर मिल गए, आंखें खोल दी, आपकी सेवा में आ गया। ये कहने के लिए कि जिन्हें नाम ते आया गए मशक्कत काल, ये वो लोग ही पार होंगे जिन्होंने अपने आप को जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जब तक हम अपने अंदर नहीं जाएंगे, बाहर मुखी हैं, ये सारा खेल मन का है। मन में जब तक हम हैं हम पार नहीं जा सकते। मन से आगे भी एक दुनिया है, वो संतों की दुनिया है। वहाँ कोई ना सुख है ना दुख है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, वहाँ हमने जाना है। और हमारे देश में ऐसी ऐसी स्त्रियाँ, ऐसी ऐसी बहनें पैदा हुई हैं जो संतों, जो संत श्रोणी में गई, जो संत श्रोमणी बनी। राजस्थान की एक छोटी सी बात आपको सुना देता हूँ। वहाँ एक बीबी थी, वो ये गोबर होता है ना जानवरों को, उसके उपले बनाया करती थी ऐसे ऐसे ऐसे, उसका नाम है भूल गया। तो वो जब भी कोई काम करती थी, रोटी बनाती थी तो भी राम राम, या कोई काम करना तो भी राम राम, उपले बना दे तो भी राम राम, बस वो हर वक्त राम का भजन करती थी। और वो राम नहीं जो दुनिया पूजती है, वो दुनिया पूजती, वो राम नहीं है। क्योंकि संतों ने कह दिया, संतों ने फैसला कर दिया। गुरु नानक ने लिखा,
सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए, उसको क्यों याद करता है तू जो खुद ही मर गया, जन्म लिया और मर गया। सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए, सोई सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, जो हर जगह उपस्थित है। इसलिए संतों ने कहा चार राम हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। वो जो सबसे न्यारा है उसकी एक अंश आपके अंदर है, वो जो सबसे न्यारा है उसको कह दिया वो घट घट में बैठा है, जो मेरे में है वो आप में भी है, लेकिन आप लोग वहां तक जाते नहीं है, वो यहाँ है, यहाँ है। वहां तक कौन जाता है, बाहर ही सब कुछ हो रहा है, आरती भी बाहर हो रही है, क्या नाम है, ज्योति भी जलाई रही है, बाहर ही जल रही है, ढोलकी शरणे भी बाहर ही बज रहे हैं। तो ये चीजें वहां नहीं जाएंगी। कहाँ जाना, हमने वहां जाना जहां मन नहीं है, जहां मन नहीं है वहां तुम हो, जहां मन है वहां काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, जहां मन है, और तुम माचों में फंसे हुए हो, और उनसे कौन निकालेगा आपको, किसी गुरु की दया, किसी गुरु का हित, किसी गुरु का दिया हुआ नाम आपको वहां से निकालेगा। बाकी जो कर्म हम करते हैं ये तो हमें भोगना पड़ेगा, चाहे कुछ तो मैं बता रहा था तो उसकी जो पाथी उपला था ना गोबर का बनाया हुआ, वो कोई औरतें उठा के ले गई, किसी औरत ने उसके उपले उठाए और घर ले गए, तो वो पीछे चले गए, कहती है आपने मेरे उपले उठाए हैं, मेरी पाथी, उसको पंजाबी में पाथी कहते हैं, कल मैंने देखा यहाँ भी एक घोड़े गाड़ी के ऊपर बहुत ये गोबर की पाथियाँ रखी हुई थी, पता नहीं कहाँ से ला रहा था वो। तो उसने कहा तेरी की क्या पहचान है, तेरी क्या पहचान है कि मैं ले आई हूँ तेरी, कहती अच्छा ये उठा, ये उठा, मेरी ये मेरी पाथी है, उठा के अपने कान में लगा के देखता कोई आवाज़ आती है, उसने कान में लगाया तो उसमें राम राम की आवाज़ आई, राम राम राम, कहती इसको भी लगा, कहती इसमें भी आती यही आवाज़, तो ये मेरी है, तेरी कौन सी, देखता है इसमें भी आती है आवाज़, नहीं उसमें नहीं आई। बात मेरी समझ गए, आप जब भी खाना बनाओ, कोई भी घर का काम करो, उसको मालिक के नाम पर करो, देखो तुम्हारे घर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। जो गुस्से से क्रोध से कोई चीज़ बनाई जाती है वो अंदर जाकर अनेक तरह की बीमारियां पैदा करती है। मैं आपको अपनी बीती एक बात बताता हूँ, अपनी बीती, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि असर कैसे होता है। मैं धर्मशाला गवर्नमेंट कॉलेज में था, ऐसा ही मौसम था, दिसंबर का महीना और सर्दी बड़ी पड़ रही है, तो हम तीन प्रोफेसर निकले, दो अंग्रेजी के थे एक मैं था, तीनों हम कॉलेज से निकले, तो वहाँ ऐसे चढ़ाई है, ऐसे चलना, सड़कें ऐसे जाती हैं, तो रास्ते में पहले मेरा घर आया, तो मुझे वो एक सरदार साहब थे, वो कहते कमल जी क्या जरूरत है यार, ठंड है, क्या करेगा यहाँ बैठ कर, तू आ मेरे घर, कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, ठंड बड़ी है, नाले गपशप मारेंगे। तो मैं भी प्रोफेसर गुप्ता था वो, हम दोनों साथ चल पड़े, उन्हें घर पहुँच गए। उसकी जो पत्नी थी वो कॉलेज में स्कूल में प्रिंसिपल थी, वो कॉलेज वो स्कूल से आई थी और उसके साथ उसकी सहेली भी थी। तो सरदार साहब गए अंदर, उसने कहा कमल जी और गुप्ता जी आए हैं, हमें तीन कप कॉफ़ी के बना दो। उसको क्रोध आया क्योंकि वो अपनी सहेली के साथ बाजार जाने के लिए तैयार थी। उसने जोर से ऐसे फेंका थैला, लो आ गए, हम तो बाजार जाना था। तो अच्छा चल, उसी गुस्से में उसने कॉफ़ी बना दी, कॉफ़ी बना के दे दी, तो वो आप चले गई हैं। तो सिंह साहब लेके आ गए कॉफ़ी दे, तीन कप ट्रे में रखे हुए, तो मैं तो आवाज़ सुन ली थी, मैंने वो आवाज़ सुन ली थी, मेरे काम कान बड़े ऊंचे थे उस वक्त, जिले ला के रखी, ओहो, मैंने कहा खुराना साहब मैं तो होम्योपैथी की दवाई खाता हूँ,
जान पहचानी सी ना, मैं होम्योपैथी की दवाई खाता हूँ। होम्योपैथी में कोई भी खुशबू वाली चीज़ नहीं खाई जा सकती, और कॉफ़ी है, इलायची है, ये खुशबू वाली मैं तो नहीं पी सकता भाई। तू मैनु गर्म पानी दे गिलास लिया दे। कहते अच्छा, उन्हें मैनु जोर नहीं पाया कि मैं दस्ता के मैं दवाई खाता। चल वो गुप्ता जी ने खा ली, पी ली, और सरदार जी ने भी पी ली। थोड़ी बहुत गप मारी, मैं अपने कमरे से वापस आ गया नीचे, तो वो गुप्ता जी ऊपर रहते थे और पहाड़ के ऊपर जाकर ऊपर शहर में, और सरदार जी वहीं रहते थे। वो टूट गए, कल ख़त्म हो गई, आ गए। मैं आके अपना काम शुरू किया, सर्दी पड़ी थी, बैठे पढ़े आज सभी यही प्रोफेसर लोग की करते पढ़ते ही, और की करते या लिखते या पढ़ते, कोई किसी के कोल जाना नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्या हुआ कि सुबह मैं तो पूजा में बैठ गया, अपने मेरा काम होता था सुबह उठना, नहाना, नहा के बैठ जाना और नाम का भजन करना जो गुरु ने बताया हुआ था। तो मैं बैठ गया, आराम से बैठा हूँ, मेरी मस्ती में हूँ, तो मेरा दरवाज़ा खटखटाया, मेरा दरवाज़ा खटखटाया, मैंने नहीं उठा, मैं बेपरवाह हो गया क्योंकि मेरी लगन लगी हुई थी कहीं। फिर वाला दरवाज़ा खटखटाया, फिर भी मैं नहीं उठा, मैं पता नहीं कौन है। फिर उसने जोर से कहा, कमल जी दरवाज़ा जल्दी खोलो। मैं उठा, दबा सब दरवाज़ा खोलिया, तो गुप्ता जी वही प्रोफेसर आके सीधे मेरे बिस्तर पर लेट गए। मैं कहा, गुप्ता क्या हुआ, क्या हुआ? कहते पहले ये बता कि आपने कॉफ़ी क्यों नहीं पी। मैं क्या हुआ क्या, मैं तो घर गया और मेरे को लूज मोशन लग गए, मेरा बुरा हाल है, मैं हूँ दवाई लेके आया, बोलने भी बड़ी मुश्किल ना। मैं कहा तूने कॉफ़ी पी ना। कहता कॉफ़ी में क्या था। मैं कहा तुम्हें नहीं पता कॉफ़ी में क्या था, सरदार जी तो रोज़ पीते हैं, गुस्से की उन्होंने तो असर नहीं पैंदा, क्यों जिन्हें रोज़ पीवे आदमी उन्होंने आदत हो जाती है। ठीक है, वो तो बाद में पता लगेगा कि क्या असर हुआ। मैं क्या, उसमें हमारी सरदारनी साहिबा का बहुत बड़ा गुस्सा था, और मैं जानता हूँ गुस्से से एक चीज़ पैदा की हुई नुकसान करती है। मेरा हाजमा बड़ा नरम है, मैं गुस्से वाली चीज़ नहीं लेता। बात आपको समझ गया, ये मैं आपको अपनी बीती बताई है। तो आप अपने आप को सोचो कि अगर औरत रोटी बना रही है और गुस्से में है और कभी इधर फेंकती कभी इधर फेंकती है, ऐसे घर भी मैं देखे हैं, ऐसे घर भी मैंने देखे हैं। मेरे साथ एक प्रोफेसर होते थे, और सुना देता हूँ, मेरे साथ एक प्रोफेसर होते थे, उनकी पत्नी भी प्रोफेसर थी, दोनों लव मैरिज हुई हुई थी, आप समझ गए। तो बड़ी पर्सनैलिटी मुंडे दी, कुड़ी दी भी पर्सनैलिटी बहुत। एक दिन कहने यार कमल आ जाओ घर मेरे, चलो चाह पी मांगे चाह पी मांगे। तो हम ड्राइंग रूम में चले गए, वो जाके कहना चाह बनाने कमल जी भी आए हैं। तो मेरा तो सबसे प्यार होता था, वो पता नहीं उन्हें की गुस्सा था उस औरत को, उसने वो रखा था ना डाइनिंग टेबल पर प्लेटें रखी होती हैं खाने खाने के लिए, वो आई और प्लेटें उठाई सारी थौ मारी जमीन के ऊपर, सब तोड़ दी। वो बेचारा कहना की हो गया, कहनी होया तेरा सिर, मैं भी तो पढ़ा के आई है, तू बना ले त्वचा, ले हो गया काम खराब। ये बताइए आप, अब फिर बाद में मुझे पता चला मेरी ट्रांसफर हो गई, उनका तलाक हो गया दोनों का तलाक हो गया, क्या है जिंदगी। ऐ मेरी बहनों बेटियों बच्चियों, घरों को स्वर्ग बना दो, तुम बना सकते हो, दूसरा नहीं बना सकता कोई भी। आप घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं, आप घर को नरक भी बना सकते हैं, आप घर की सब बीमारियों को भी दूर कर सकती हैं, और आप घर में सब बीमारियां भी पैदा कर सकती हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप लक्ष्मी भी हो, आप सरस्वती भी हो, और आप दुर्गा भी हो। आप दुर्गा नहीं बनना, आपने सिर्फ सरस्वती बनना है और लक्ष्मी बनना है, तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशहाल रहेगी। अब दाता दयाल का एक शब्द सुना दो, क्या वो क्या नाम है, कोई नहीं सुख दुख का दाता। मेरे दादा गुरु लिखते हैं
हमें समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी सुख और दुख देने वाला नहीं है, तुम्हारे अपने ही दुख हैं, तुम्हारा किया हुआ फल तुम्हें मिलना है, दूसरा कोई फल नहीं मिलना। मेरे पास बहुत ऐसी एग्जांपल्स हैं, लेकिन वो फिर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा जब मैं अगर वो भी बताने लगा। सिर्फ ये साबित करूँगा जो मेरे दादा गुरु ने लिखा है कि जो भी दुख सुख हमें आता है हमारे अपने कर्मों का ही फल है, हमारे विचार का ही फल है, हमारी सोच का ही फल है, हमारे वचन का ही फल है। आप देखो, आप हमें याद आ गई बात मुझे, एक कोयल होती, कोयल जब आम लगते तो वो आती है ना, कोयल आती है ना, तो हम छोटे छोटे होते थे, जब कू कू करती थी हमने भी कहना कू 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 उसके पीछे, उसने भी जोर जोर से ज़्यादा बोलना। फिर मुझे याद है इस बात का, कोयल जैसे बोलती वैसे हमने भी वो हाथ ना ली, उन्हें जोर जोर दब दब जल्दी जल्दी बोलना, हमने भी दब दब, तो हमारी आपस में आवाज़ मिल जाती थी। क्या कहा मैंने, जानवर भी आपकी आवाज़ को समझते हैं, आदमी तो बात ही क्या है। आप करके देखो जो मैं कह रहा हूँ। तो आपको मैं अब फाइनल सुना देता हूँ कि कर्म जो है ये बहुत प्रधान है बेटियों। कर्म को, मन को कंट्रोल करना है, वचन पर कंट्रोल रखना है, और व्यवहार अपना अच्छा करो। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारे सुख देने वाला है, तुम्हारा बोलना चलना ही तुम्हें सुख देने वाला है। बात मेरी समझ गए? अगर सुबह उठकर कोई सास अपनी बहू के सिर पर हाथ रख देती है तो बहू भी मजबूर हो जाएगी उसके पांव को हाथ लेने की। मेरे पास एक लड़की आई, लड़की और लड़का आए, तो कोई बात उन्होंने मेरे से मांग की कोई चीज़ के, महाराज दया करो। मैं कहता हूँ तो माता पिता हैं? कहते हाँ जी। माता पिता की सेवा करते हो? चुप चुप, बिल्कुल चुप। मैं क्या, अच्छा तूने कभी अपनी सास के पांव हाथ लगाया? कभी? यो तो मुझे देखकर भी खुश नहीं, वो तो मुझे देखकर भी खुश नहीं। मैं क्या, क्या बात होगी, ऐसी क्या बात है? दोनों से खूब बात की। वो लड़के के लिए आशीर्वाद लेने आई थी, उन्हें बच्चा कोई नहीं था। मैंने कहा देख बेटी, तू जा अपनी माँ के सुबह पाँव को हाथ लगाना शुरू कर दे, और उसका जिस दिन तेरे सिर पर हाथ आ गया तेरे बच्चा पैदा हो जाएगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर एक और ऐसे ही आई, उसको भी मैंने बोला, कहती नहीं जी मैं तो कुछ भी हो जाए मैं माँ दे सब पैर में हाथ नहीं लाना सस। मैं की गल करंट मार दी है वो, चुप, तुम्हें पता ही नहीं है कि सास के हाथ में कितनी ताकत है, ससुर के हाथ में कितनी ताकत है। मेरी तीन बहुएं हैं, बात समझ गए? मैं उनको अपनी बेटियां मानता हूँ, मेरी बेटी कोई नहीं है, वो ही मेरी बेटियां हैं, और मेरा इतना ख्याल रखती हैं कि शायद वो अपने पति का भी इतना ख्याल नहीं रखती। बात समझ गए? मैं भी खुश और उनको किसी बात की कमी नहीं है। क्या कहा मैंने, जो बाप आशीर्वाद दे सकता है उसको भगवान भी नहीं मोड़ सकता, जो माँ आशीर्वाद दे सकती है उसको भगवान भी नहीं मोड़ सकता, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसलिए अपने कर्म को ठीक करो। तुम्हें मंदिर से कुछ नहीं मिलना, तुम्हें किसी साधु से कुछ नहीं मिलना, ना कोई साधु किसी को कुछ नहीं दे सकता, कोई संत किसी को कुछ नहीं दे सकता, ज्ञान दे सकता है बाकी कुछ नहीं दे सकता। मैं देखो कितनी बड़ी ऊंची बात कह रहा हूँ। हम भागे हुए हैं, कभी को कहीं भागा है, कभी को कहीं भाग, दुख सुख तो यहाँ है। ये मेरे दादा दयाल महर्षि शिवरत लाल जी, जिनका जन्म जहाँ बनारस के पास हुआ था, उन्होंने 4000 से ऊपर किताबें लिखी हैं, उनका धाम है वहाँ, मैं जाता हूँ हर साल। बात समझ गए? किसी अच्छे इंसान के साथ मिलो, किसी अच्छी जगह से देखो अपना संबंध, जहाँ से तुम्हें अच्छा संस्कार मिले, जहाँ से अच्छे विचार मिले, जहाँ से सिर्फ ये बताया जाके वहाँ जाओ तो तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, या तुम ये करो वो हो जाएगा, इतना दान करो, कुछ नहीं होगा। दान दोगे दान मिलेगा, पैसा दोगे पैसा मिलेगी, गाली दोगे गाली मिलेगी, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगी,
ये यहाँ का निजम है, इस साथ दो और इस साथ ले लो, वो नहीं मिटेगा कभी भी। क्या कहा मैंने, दान पुण्य करने से या गंगा स्नान करने से भी नहीं होगा, वो तो जल है। आपके घर में भी गंगा जल ही है, जमीन से आता है ना सारा पानी, उसको गंगा समझ के नहा लो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, सुबह रोज नहाता हूँ गंगा में। क्या कहा मैं, हमें ब्रह्म में डाल दिया दुनिया में। मेरे दादा, मेरे महाराज परमदयाल जी महाराज के पिताजी की डेथ हो गई, तो वो उनकी अस्थियां लेकर गंगा गए, हरिद्वार गए। वो उस वक्त पोस्ट मास्टर थे, क्या नाम थे, रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे। स्टेशन मास्टर को हमेशा टिकट मिलता है, पास मिलता है, तो वो पास से गए थे। कहते मैं चला गया के जाके कहते जी आ जाओ बैठो, और सारा कर्म उन्होंने किया, क्रिया कर्म किया, जो जो भी करना था करना था। अब इससे जहाँ इतने पैसे दे दो, जब इतने पैसे दे दो, अब इतने पैसे दे दो, तो मेरे दादा बोल दे कि मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, मेरे को बिल्कुल खाली कर दिया उन्होंने, इतना लालच उनमें। और फिर जब मैं चलने लगा तो सोचा वहाँ से टंगे पर भी पैसे है नहीं जाने के लिए, ये मैं टंगा ही ले लूँगा, रेलवे स्टेशन पर जाना है। तो कहते मेरे नंगे पाँव बच्चों, तो मैंने गंगा मैया के किनारे खड़े होकर कहा कि ऐ गंगा मैया, आज के बाद मेरे परिवार का कोई आदमी तेरे पास नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। क्या कहा मैंने, क्या वहाँ कल्याण हो जाएगा, हड्डियों का कल्याण हो जाएगा? ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे भ्रम हैं, कुछ भी नहीं है। जो मर गया सो मर गया, वो जीवन में ही उसकी मुक्ति होगी, मरने के बाद क्या मुक्ति होनी है। जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, कबीर साहब का शब्द है, जो जीवन में मुक्त हो गया वही मुक्त है, दूसरा मुक्त नहीं हो सकता। आगे पढ़ो, अब सुना दो शब्द है, आपको सुना देता हूँ। कोई नहीं दुख सुख का दाता, कोई नहीं दुख सुख का दाता, तेरी है ये भूल सब। दाता दयाल जी महाराज जी को मेरे बाबा फकीर जी ने एक पत्र लिखा, क्योंकि समाज था, घर गृहस्था, कोई प्रॉब्लम आई भाई के साथ, तो उन्होंने दाता दयाल जी को एक चिट्ठी लिखी कि महाराज ये प्रॉब्लम आई है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने उनको ये चिट्ठी लिखी, ये उन्होंने बताया हुआ है कि मुझे ये चिट्ठी लिखी दाता दयाल जी ने कि कोई सुख दुख तुम्हें ना, भाई दुख देगा ना पत्नी दुख देगी ना उसकी पत्नी, कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता, कोई सुख दुख का दाता नहीं है। कौन है, आगे पढ़ो। कोई दुख सुख का नहीं दाता, तेरी है ये भूल सब, कर्म अपने अपने करते हैं, कर्म अपने अपने करते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल सब। कर्म है, अच्छा भी तुम्हें मिलेगा और बुरा भी तुम्हें मिलेगा, कर्म तेरे अनुकूल है, कर्म ही तेरे प्रतिकूल है, तू किसको कहता है। ये दाता दयाल महाराज जी कह रहे हैं, जिसका ज्ञान हमें हुआ कि ऐ इंसान अपने कर्म पर नजर रख। और मेरा तो मेरे गुरु महाराज ने कल्याण ही कर दिया, कैसे कल्याण किया वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा उनसे बहुत प्रेम रहा है और आज भी है, ये रहेगा, क्योंकि मैं उनकी अंश हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। तो एक बार कोई प्रोफेसर आए मंदिर, मानवता मंदिर में, मैं ये बात बहुत बार कह चुका हूँ पक्का करने के लिए कि लोगों को विश्वास हो जाए, तो उन्होंने किसी ऋषि की बात करनी शुरू की मेरे बाबा जी के साथ। सत्संग खत्म हो गया, लोग चले गए तो वो बैठ गए। प्रोफेसरों को आदत होती है बात करने की ज़्यादा, एम ही डीग मारी जानी, मैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, तो
मैंने भी बीच में बोल दिया कि प्रोफेसर साहब ये बात ऐसे नहीं है, रमन ऋषि की बात चल रही थी, ये ऐसे है। तो मेरे सदगुरु महाराज जो हुक्का पीते थे, हुक्का, तो उन्होंने हुक्का बंद करके मुझे पूछा, बच्चा तू भी ऐसी किताबें पढ़ता है? हाँ, मैं कहा पिताजी कभी कभी पढ़ लेता हूँ। तो मुझे एक आदेश दिया एक, कि आज के बाद आपने किताब नहीं पढ़नी, अपने मन की किताब पढ़नी है। कितनी बड़ी बात, मन की किताब पढ़नी। जब मैंने मन की किताब पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मन तो है ही नहीं, शरीर में तो कोई और चीज है जो शरीर को चला रही है, मन तो नहीं चला रहा ना, मन तो सिर्फ बाहर के पा रही है, इसने जो देखा उधर हो गया, जो सुना उधर दौड़ता है, जो खा लिया उसका लालच करता है कि ये और थोड़ा खा लूं, यही करता है ना, और क्या करता है, ये सुनने देखने और बोलने में ज्यादा विश्वास करता है। ओ, मुझे पता चला कि तू तो है ही नहीं, है ही नहीं। तो जब मन से आगे गया तो क्या लगा पता, मुझे पता लगा कि मैं कौन हूं। क्या कहा मैंने, मैं एक चेतन का बुलबुला हूं, तुम सब चेतन के बुलबुले हो। वो महान शक्ति चेतन की शक्ति है जिसको होश कहते हैं। होश जानते क्या होती है, कॉन्शियसनेस क्या होती है। कोई आदमी, मेरे बाबा फकीर ने हमें समझाया, मैं बैठा था, कोई दूसरे और लोग बैठे थे, तो मुझे कहते बेटा बात सुनो, जिंदगी और है, हस्ती और है, जिंदगी और है, हस्ती और है। उसको क्लियर किया उन्होंने, मेरे दादा ने, कैसे किया वो सुनो। कहते एक लड़का सड़क पर चल रहा है, पीछे से गाड़ी आई, गिरा, उसके टांग के ऊपर से गाड़ी निकल गई, टांग चूरा चूरा हो गई। वो चिल्ला रहा है, हाय माँ मर गया, हाय मुझे बचाओ, कहता है ना आदमी, जख्मी हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो लोग आए, उठा के जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले गए, उसके माँ बाप को बुलाया, तो डॉक्टर कहते देखिए इसका खून बहुत चला गया है, इसकी टांग काटनी पड़ेगी अगर जिंदा रखना है, नहीं तो ये लड़का मर जाएगा। वो कहेंगे महाराज हमारा लड़का बच जाए, कोई बात नहीं, आप टांग काट दो। तो फिर उसको क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, देते हैं ना आदमी को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन देते हैं। तो उसको इंजेक्शन दिए, दो दिए, और वो बिल्कुल शोर मचाना बंद कर दिया। तो डॉक्टर ने उसकी टांग को काट दिया, काट कर पट्टी कर दी, सब कुछ ठीक हो गया। अब वो जो चीज़ जो रो रही थी, चिल्ला रही थी, वो क्यों चुप हो गई, क्योंकि जो महसूस करने वाली चीज़ थी वो यहाँ से जहाँ चली गई वापस। तुम अपना पैर बांध लो इसको, तो लत रो तो उठ के बांध लो, उठ के बांध लो, तो अभी लत सो जाएगी ना, कि उठेगी नहीं, इसमें ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि खून का सर्कुलेशन रुक गया, और वो ताकत हमारे सर्कुलेशन में चल रही है। वो जो हस्ती है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चल रही है, मैं हाथ हिल रहा है उस ताकत से हिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ उस ताकत से बोल रहा हूँ। तो जब आदमी बेहोश हो जाता है तो जिंदगी तो है, जिंदगी तो है, दिल भी धड़क रहा है उसका, नब्ज भी चल रही, डॉक्टर देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन ना वो बोल सकता है, बोल सकता है क्या, वो सुन सकता है ना, वो सुन सकता है ना, वो देख सकता है ना, वो बोल सकता है। तो देखने वाली हस्ती अपने वापस चले गई, सुनने वाली हस्ती भी जहाँ चले गई, और बोलने वाली भी जहाँ चले गई। जब वो दवाई का असर कम होगा फिर वो दोबारा शरीर में उतर आएगी। क्या कहा मैंने बच्चों, तो वो जो चीज़ है जो दुख सुख को महसूस करने वाली है या जो शरीर को चलाने वाली है, वो है आत्मा नहीं। ये आत्मा के ऊपर की बात सुना रहा हूँ आपको, उसको समझो वो क्या है, उसको समझो। अगर उसकी समझ आपको आ गई, तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, कोई भ्रम नहीं रहेगा, सत्ता सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम सबसे ऊंचे हो जाओगे, तुम बलवान हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारी सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि तुम माल के कुल के अंश हो, मैं उसका बच्चा हूँ।
जब मैं उसका बच्चा बन गया तो वो मेरी देखभाल आप पे करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? जो जिसका बच्चा बन गया, जो माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप को सब कुछ मानता है, तो माँ बाप उसको सब कुछ देते नहीं है? सब कुछ दे देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं, बच्चा बहुत काबिल है। ऐसे ही जब मन से आगे हम जाकर उसके बन जाते हैं तो फिर इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप अरेंजमेंट करता है, तुम्हारी जिंदगी की देखभाल करता है। और फिर इंसान कोई बुरा कर्म भी नहीं करता, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि मैंने जो करना मुझे भोगना पड़ेगा। तो दाता दयाल जी ये कह रहे हैं कि तुम्हारा ही कर्म तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगा और तुम्हारा ही कर्म तुम्हारे लिए सुख का कारण बनेगा। बात समझ गए बच्चों? आगे बढ़ो। कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझे, कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझे, कर्म से आनंद है और कर्म से आनंद है और कर्म ही है सूल सब। यही कहते हैं कि तुमने कर्म की प्रधानता को नहीं समझा, कर्म ही तुम्हें फूल जैसी खुशबू देगा और कर्म ही तुम्हें फूल के वो क्या होता है सुई जो चुभने वाला वो दुख भी देगा। फूल के साथ कांटा भी होता है ना, तो कांटा भी वही है तेरा और फूल भी तेरा अपना कर्म है। तू किसको दोष दे रहा है, तू किसको कह रहा है उसने मेरे साथ ये कर दिया? कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, कोई किसी का अच्छा भी नहीं कर सकता। अच्छाई बुराई सारी हमारे ही अपने जीवन के अनुसार है, हमारे अपने ही मन का खेल है। आगे चलो। यह जगत है बाटिका, करते हैं प्राणी आके काम। दादा दादा कहते हैं ये क्या है? बाटिका है, बाटिका जानते हैं ना, फुलवाड़ी, जहाँ जो बीज बोओगे उसी का ही फल तुम्हें मिलेगा। ये वाटिका ऐसी है, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। गुलाब का फूल लगाओगे, गेंदे का फूल लगाओगे, चमेली का फूल लगाओगे, खुशबू आएगी। अगर कोई और जंगली पौधा लगा दोगे जो जिसकी खुशबू अच्छी नहीं है, वो सारी वाटिका ही कोई ख़राब कर देता है। क्या कहा मैंने? ये जगत है वाटिका, करते हैं आके लोग काम, अपना अपना कर्म करते सारे। और कर्म भी हमें, आप अगर ये कहो कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ तक भी पहुँच गया कि ये कहना कि मैं कर्म कर रहा हूँ ये भी गलती है। हमें कर्म अलॉट हुए हुए हैं, जो रह गए हुए हैं वही करना हमने यहाँ कर। जब वो फट्टी साफ हो जाएगी तो धर्मराज ने क्या लेना, क्या दिखाओगे वहाँ? वो धर्मराज को क्या दिखाएगा जिसने कोई बुरा किया ही नहीं, जिसने अच्छाई किया, जिसको अपने मालिक से मिलना है, वो धर्मराज उसको कहाँ रोकेगा? क्योंकि गुरु का हुक्म उसके साथ है कि ये मेरा बच्चा है। तो वो आपने देखा नहीं है, कोई बड़ा फंक्शन होता हो वहाँ डीसी का बच्चा आ जाए उसको कोई रोकता है, या एसपी का बच्चा आ जाए रुकता है उसको, मंत्री का बच्चा आ जाए एकदम सभी हट जाते, मेरे जैसा जाए उसको कहेंगे बाबा भले हट, तू नहीं अंदर जा सकता, तेरे को है नहीं टिकट है नहीं, वो बगैर टिकट के अंदर चल जाते, चले जाते कि नहीं चले जाते। इसलिए ऐ बच्चों ये बात समझ लो कि कर्म से तुमने अपने जीवन को क्या बनाना है, स्वर्ग बना लो नर्क बना लो, खुशी का बना लो बुराई का बना लो, तुम्हारे हाथ में है। अगर सुबह से लेकर तुम सोचना शुरू कर दो कि ऐ मालिक आज आपने मुझे नया जन्म दिया है, सुबह मरे हुए उठते हैं ना, को पता होता रात हम कहाँ थे, हमें पता कि मैं इस घर में सोया हूँ, हमें पता कि मैं मुरादाबाद में हूँ, जब जाग खाती तो पता लगता कि मैं कहाँ हूँ। ऐसे ही हर रोज़ हमारी नई जीवन है, हमारा नया जन्म है, हर रोज़ हमारा नया जन्म होता है। तो सुबह उठते ही उस मालिक को कहा करो, ऐ मालिक ऐ मेरे सच्चे पातशाह, तू ही तू है जहाँ भी है, मेरे आज इस शरीर से किसी का कोई बुरा कर्म ना हो, मेरी आँख को, मेरी आँख कभी किसी को बुराई से ना देखे,
मेरे मुख से कोई ऐसा वचन ना बुरा निकले जिससे किसी को दुख हो, मेरे कान को कोई ऐसा बुरा शब्द ना मिले जिससे मुझे क्लेश हो, ये सुबह उठ के कर लो तुम्हारा कल्याण हो जाए, यही प्रार्थना है। तू सबका भला कर, यही प्रार्थना, इससे बड़ी प्रार्थना दुनिया में कोई नहीं। अगर आप कहोगे कि हम गीता पढ़ते हैं, जा गीता का इतने श्लोक हम पढ़ते हैं, लोग कहते हैं हमने गीता के श्लोक पढ़े, कोई कह देता हमने सुंदर पाठ किया, इन चीजों से फायदा नहीं। सुनो, जिस तुलसीदास ने लिखी है ना ये रामायण, उसके पिछले 10 साल इतने बुरे कटे, इतना दुखी रहा, इतना बीमार रहा, तो उसके साथी जो कहते थे महाराज आपने लिखा है कि चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास चंदन घस रहा है और राम जी तो तिलक दे रहे हैं, तो राम तो तुम्हारे साथ है, उनको याद करो। कहते अब कोई राम नहीं साथ दे रहा, ये सच्ची बात है। और ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि गीता से पाठ करो, अगर गीता है तो वो किसके लिए लिखी कृष्ण ने, किसको किसको संबोधित किया? अर्जुन को किया, हमें तो नहीं किया, बार बार अर्जुन को ही कहा ना उन्होंने, तो तुम अर्जुन बनो, फिर तो बात बनेगी, अर्जुन तो हमें है नहीं, और फिर अर्जुन के साथ में बेचारे से क्या हुआ, सोचो। सिर्फ करने से सुनने से बात नहीं बननी है, कर्म करो, जो करना है कर्म तुम्हारा साथ होना चाहिए, कर्म अच्छा तो सारी दुनिया आपको शिफ्ट करेगी। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। जो ठगेगा वह ठगा जा, दाता दयाल जी कहते हैं जो ठगेगा किसी को दुख देगा वो भी होगा। उन्होंने एक शब्द लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, देखो संभल के चलना, ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म ना करना, खोटी ना बात कहना, दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे अगर किसी को तो दुख पड़ेगा सहना। ये दाता दयाल महर्षि शिवरत लाल जी ने कहा, सारी की सारी फिलॉसफी लिख दी उन्होंने कि तुम क्या करोगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आगे, जो ठगेगा वह ठगा जाएगा निसंदेह आप प्रेमी जनी पाते हैं, और प्रेम के बहु मूल सब, जो प्रेम करता है जिन प्रेम किए उतन ही प्रभ पायो। अब दुनिया से तो आप प्रेम नहीं कर सकते सारी से, अपने परिवार से प्रेम करो, अपने घर के मम्बरों से प्रेम करो, तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। आगे, अपनी करनी आप भरनी, अपनी करनी आप भरनी, पड़ती है संसार में, अपनी करनी आप भरनी है, दूजा नहीं कोई मिलेगा। तुम्हारा कर्म कोई बांट ले, या दान करने से तुम्हारा वो कर्म कट जाएगा, या तीर्थ करने से कर्म कट जाएगा, या व्रत करने से कर्म कट जाएगा, ये सब धोखा है। जो कर्म किया वो ही भोगना पड़ेगा, अपना अपना कर्म हम सब भोग रहे हैं। आगे चलो, अपनी करनी आप भरनी, पड़ती है संसार में, अपने घर की आप उठाया करते ही है चोल सब, अपने घर का दुख सबको अपना ही पता होता, दूसरे घर के दूसरे घर में आग लग जाए कहते बसंत चल रही है, उठे अपने घर में आग लगे तो पता लगता है कि आग है, दूसरे घर के दुख को कौन मानता है, किसी का दुख कोई नहीं अच्छा समझता। राधा हमारे समाज में तो अब ये हो गया कि अगर कोई दुखी है तो तुम उसको देखकर खुश होते हो, एक साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, इसके साथ ऐसा होना चाहिए। अगर कोई सुखी है तो आप दुखी हो जाते हैं, दुख को देखकर सुखी और सुख को देखकर तुम दुखी हो जाते हैं कि इसको ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों इतने, इसके लड़के को ऐसी लड़की कैसे मिल गई, इसको नौकरी कैसे ऐसे मिल गई, करते हो ना। दूसरों के सुख को तुम नहीं देख सकते और दूसरे के दुख को देखकर तुम आनंद हो लेते हो,
अगर उन पर ऐसी हुई तो हो सकता है हमारे पर भी ऐसा हो सकता है। इसलिए कर भला हो भला, सबका भला मांगो, तुम्हारा भला अपने आप हो जाएगा। आगे चलो। किस भरम में तू पड़ा, किस भरम में तू पड़ा, औरों की बातें छोड़ दे। छोड़ो, लोगों की बातें करना छोड़ो, अपनी बात करो। किस भरम में पड़े हुए को उसने मुझे दुख दे दिया, या उसने मुझे तकलीफ दे दी, या उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे पैसे मार लिए, ये नहीं है। तुमने भी मारे होंगे जरूर। जो ठगेगा वो ठगा जाएगा जरूर, उसको ठगना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। आगे चलो। किस भरम में तू पड़ा, औरों की बातें छोड़ दे, काम में लग अपने कर ले, कर्म निज अनुकूल सब। आगे। राधा स्वामी नाम भजे, राधा स्वामी नाम भजे, झगड़ों से बच कर रह सदा, जो नहीं समझा तो पढ़ना, जो नहीं समझा तो पढ़ना, लिखना होगा धोल सब। अब उन्होंने फैसला कर दिया, तो तू क्या कर, अपने काम में लग जा, दुनिया को देखना बंद कर, जो करेंगे पढ़ेंगे हम तो भय हजार। फरीदा तेरी झोंपड़ी गल कटेन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे हमको भय उदास, जो कर्म करेगा वो भरेगा। तो दाता दयाल कहते हैं कि तुम नाम जपो, बस कर्म करो और नाम जपो, और कर्म वो करो जिसमें आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो, वही कर्म अच्छा होता है। जो तुम ही अपने लिए करोगे कि मेरा काम हो जाए दूसरों का रह जाए, वो ठीक नहीं है। तो मैंने बच्चों बहुत कुछ कह दिया आपको माताओं, हो सकता है मेरी जबान से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपके ख्याल के विरुद्ध हो, लेकिन मेरे मन में हित है, मेरे मन में ऐसा ख्याल है कि आपका जीवन सुखमय हो जाए। आप आए हैं सर्दी में और आपको किसी तरह की कोई दुख रोग ना लगे, और घरों में शांति हो, आपके बच्चे काबिल बने और आपके घर में बहुत सुख और सुखमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सबको बहुत प्यार भरा। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, जय शंकर। चरण सा